आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा हाईकमान ने फिर इस बार लगातार तीन बार से अपनी कुर्सी पर डटे क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसकी खुशी मुख्य चौराहे पर भाजपा समर्थकों ने आतिशबाजी के साथ जाहिर की। इस दौरान विधानसभा दावेदार सोलंकी भी नजर आए, जहां सैकड़ों लोगों ने सोलंकी का पुष्प माला पहनाकर स्वागत कर बधाई दी। जबकि इस दौरान वो लोग भी भीड़ का हिस्सा बने जो विगत कई माह से लगातार सोशल मीडिया पर सोलंकी की दावेदारी का विरोध कर रहे थे। अब देखना है कि इस बार नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों के विरोध के बावजूद कितने मतों से सोलंकी की जीत तय होती है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विगत कुछ सालों से बाईपास और इंदौर इच्छापुर हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर आम जनता सोलंकी का विरोध करते नजर आ रही थी, जिसके चलते नगर के कई युवा एवं आम जनता स्थानीय प्रत्याशी की मांग भी कर रहे थे। लेकिन चौथी बार भी जितेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया। सोलंकी ने इस दौरान मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा, इस बार हमारी सरकार बनती है तो भेड़िया को तहसील और बड़वा को जिला बनाने के अथक प्रयास किए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए नगर में नए रोजगार लाकर बेरोजगारी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। विधायक जितेंद्र सिंह सोलंकी ने आपको बता दें, पिछले चुनाव में बाईपास और इंदौर इच्छापुर के रोड चौड़ीकरण सहित उद्योग लाकर बेरोजगारी खत्म करने की बात कही थी, लेकिन 15 सालों में एक भी बात पूरी नहीं हुई। जबकि कुछ दिन पहले ही विधायक सोलंकी ने नगर में विकास कार्य कुछ बचे ही नहीं है की बात मीडिया के समक्ष कही थी, लेकिन टिकट मिलते ही उन्होंने जनता की कमेटी बनाकर उनकी समस्या के निराकरण करने की बात कह डाली। अब देखना है कि जो जनता 15 सालों से विकास नहीं होने की बात कह रही थी, क्या वही जनता अब इस बार के वादों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चौथी बार फिर अपने शहर में काम करने का मौका देगी। वास्तविक भारतीय पार्टी ने विकास काम किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना है, उन योजनाओं के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और यही हमारी जीत का राज है। अभी आपका बड़वा विधानसभा बड़वा क्षेत्र में जो एक विरोध हो रहा था विकास कार्य को लेकर, उसमें कितनी सत्यता है? वास्तव में विकास कार्य तो होते हुए पर जीवन में विकास कार्य करते निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमने जो काम कर दिए उनको तो हम वहाँ बता नहीं पा रहे हैं, परंतु हम लोगों को लगता है कि जो काम आप जनता हमको बताएगी उन कार्यों को हम अतिशीघ्र पूरा करेंगे। चौथी पारी में हम लोग जनता से पूछेंगे, वो जनता की कमेटी बनाकर उनसे पूछ कर और जो भी बातें जनता के हमारे सामने आएगी वही सरकार के सामने रखकर हमने हमारे मुख्यमंत्री से उन समस्याओं का समाधान करवाएंगे। बड़वा विधानसभा के लिए आपकी अगले 5 साल की क्या कार्य योजना है, कौन सा प्रमुख काम करना चाहेंगे? जी हम लोग सबसे पहला काम जो है वास्तव में इंदौर इच्छापुर रोड का जो है और हमारी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का है। वास्तव में रोजगार की यहाँ पे आवश्यकता है, एक तो रोजगार और हम लोग और लाएंगे और इन्हीं के माध्यम से हम लोग और जनता के बीच में जाएंगे और जो समस्याओं का समाधान करने का प्रयास। बड़वा को जिला बनाने की मांग विगत 2 कार्यकाल से चलती आ रही है और इस मामले में आपने काफी प्रयास भी किया है, लेकिन वो पूर्ति अभी तक नहीं हुई। दोनों बार 2 अलग अलग जिले बना दिए गए हर चुनाव में, लेकिन बड़वा को हमेशा पीछे रखा गया, इस बारे में आपके क्या प्रयास रहे? हम लोग अभी प्रयास करेंगे सरकार बनने के बाद में कि पहले हमारी सनाउद विधानसभा में बेड़िया जो तहसील थी उसको तहसील बनाया और अब आने वाले समय में हम लोग जिले के लिए प्रयास करें। मतलब आपका मुख्य प्रयास रहेगा कि बड़वा किसी भी हालत में जिला बने? पिछले चुनाव में सचिन जिला निर्दलीय लड़े थे, यदि इस बार फाइनल में टिकट देती है तो कितनी टक्कर की वो होगी? मैं जनता के बीच में गया अभी टिकट डिक्लेयर होने से पहले, जनता ने ये मान लिया है कि भैया निर्दलीय लड़ा था समाज के साथ था, अब वो कांग्रेस पार्टी से वो पहले उसने जनता का समर्थन लिया, समाज का समर्थन लिया था, अब उसने किसी प्रकार का पूछा नहीं है, इसलिए जनता उसके साथ में नहीं है और समाज भी साथ में नहीं है। मैं समाज के कई वरिष्ठ लोगों से मिला, उन्होंने कहा हम भैया भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी साथ में वोटिंग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार खुल के करेंगे। इसमें उसके आने पर गुजरवा मुझे उनके बहुत अधिक वोट मिले। धन्यवाद।